अब ये उत्तर प्रदेश का मैप है, ये आप देख रहे हैं 80 सीटें, सबसे ज्यादा सीटों वाला ये राज्य है। अब यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं यूपीए, जो कि अब इंडी गठबंधन है। यहाँ पर आप देखिए 37 जो सीटें हैं उसका फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, और 43 सीटों पर यानी कि 43 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है अगर हम बात कर ले, और अगर बाकी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी काफी ज्यादा आगे है, और इसके अलावा बिल्कुल तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी स्मृति ईरानी पीछे चल रही है अमेठी में, केएल शर्मा लगातार आगे चल रहे हैं। ये बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो पीछे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी पीछे चल रही है 50,000 वोटों से लगभग पीछे चल रही है। ये स्मृति ईरानी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ यही स्थिति कई और केंद्रीय मंत्रियों की भी है। उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही मैच्योर्ड कह सकते हैं, एक बहुत ही मैच्योर्ड तरीके से वोट उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने किया है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने यहां पर अलग अलग मुद्दे हैं उन पर वोट कास्ट किया है। इस वक्त हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ गेस्ट हैं रोहित सिंह जी। रोहित सिंह जी, मुद्दों को लेकर कौन समझाने में नाकाम और कौन कामयाब दिख रहा है? अभी आपने तुरंत ही कहा कि अभी कहीं से भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती नहीं दिख रही है, इसलिए फेल और पास होने का तो सवाल ही। हर बार हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है, इस बार भी हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है। बाकी कैसे देखते हैं आप कि एक बार फिर से मोदी सरकार होने वाली? निश्चित तौर पर देश भर में एनडीए लीड कर रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब शाम तक पूरे नतीजे आएंगे स्थिति स्पष्ट होगी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए फिर एक बार, तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा, क्योंकि देश को स्थिर और निरंतर सरकार चाहिए, एक ईमानदार दमदार नेता चाहिए, और आज जो दुनिया की उम्मीदें भारत से हैं उन पे खरा उतरने के लिए ये निरंतरता और स्थिरता बहुत आवश्यक है, और जो देश की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है उसको और गति देने के लिए, विकासात्मक कार्यों को गति देने के लिए इस सरकार का, एनडीए की सरकार का फिर से सत्ता में आना आवश्यक था, और जनता ने उसके पक्ष में मतदान किया। आंकड़े सबके सामने आ रहे हैं, और मुझे लगता है जब तक पूरे आंकड़े आएंगे शानदार रिजल्ट एक बार फिर होगा, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाना अपने आप में कई बार चुनौती होता है, लेकिन असंभव को भी संभव करवा करके दिखाएंगे। एक तरफ इंडिया ब्लॉक भी काफी खुश नजर आ रहा है, उनको लग रहा है कि उनकी भी काफी इम्प्रूवमेंट हुई है पहले से, और उनकी भी एक मीटिंग होने जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी 250 सीटों पार करने दिख रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी 100 सीटों के आसपास भी नहीं दिख रही, अपने आप में काफी गैप है, और कुल मिला के जो हमारा एनडीए गठबंधन है उसको भारी बढ़त बाकियों से बनाई हुई और आगे भी बनी रहेगी। लगातार पांचवी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं तो थोड़ी आ गई है, अनुराग ठाकुर के बयान में नरमी थोड़ी आ गई है, हालांकि वो कह रहे हैं कि सरकार तो हम ही बना रहे हैं, तीसरी बार सरकार बनाना आसान नहीं होता, अब ये बात कह रहे हैं जबकि इससे पहले दावे हो रहे थे 400 पार के। चलिए वापस हम उत्तर प्रदेश पर लौटते हैं। उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी रोहित जी, और यहाँ पर बात ये हो रही है कि उत्तर प्रदेश में तो 80 में 80 का नारा था, हालांकि दूसरी तरफ से भी 79 का नारा था, लेकिन यहां बात यह हो रही कि उत्तर प्रदेश में INDIA गठबंधन 42 पर आगे है और आप आधे से भी कम पर सिमट रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी किसी भी चीज को मैच्योर्ड नहीं मानना चाहिए, घंटा भर और प्रतीक्षा कीजिए। कई सीटों पर 1,000, 2,000, 4,000 का अंतर दिख रहा है निश्चित रूप से, और ईवीएम खुलेंगी, ईवीएम से अच्छा समाचार आएगा, देश में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने वाली मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनेगी।